पन्ना जिले में उल्टी दस्त ने लोगों को बेहाल कर दिया है। खबर पन्ना के पटौरी गांव की है, जहां फूड पॉइजनिंग से उल्टी दस्त के चलते 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए क्षेत्र के विधायक प्रहलाद लोधी पवई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और बीमार लोगों का हाल जाना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वही जिला चिकित्सा अधिकारी एसके त्रिपाठी ने भी बच्चों की मौत की वजह फूड पॉइजनिंग को ही बताया है। वही गांव की अन्य जगहों पर जांच करने पर नए मामले नहीं मिलने की बात कही जा रही है। वही जो मरीज अस्पताल में भर्ती है उनकी हालत स्थिर है। मैं अभी वहीं से लौट रहा हूं और जो 3 मौतें हुई और एक ही घर की हुई है और उन घर वालों से मैंने पूरा स्टेटमेंट पूरी जानकारी बैठ के ली है। कल सुबह तक वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ना उल्टी दस्त था, ना बुखार था, ना किसी तरह की दिक्कत थी। जो 3 अपने पेशेंट थे उनको 1-2-3 घंटे के अंदर ही उनको असामान्य टाइप के कुछ लक्षण आए हैं और लास्ट में केवल 1 उल्टी और 1 दस्त हुआ है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई है और संभवतः कुछ खाने से हुई होगी, ऐसी संभावना पूरी लग रही है। फूड पॉइजनिंग जैसा कि अभी आपको बताया गया है तो संभावना तो यही लग रही है। बाकी और जगहों में हम लोगों ने पता किया, गांव में कहीं भी ऐसा आउटब्रेक या उल्टी दस्त जैसी एपिडेमिक की संभावना या केसेज हमें नहीं मिले हैं। जिन कुछ तरह केसेज हो रहे हैं, कुछ संभावित केसेज ऐसे थे जिनकी तकलीफ पड़ सकती है, कुछ उनको सुबह ही यहाँ वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है और अभी स्टेबल है। गाँव में भी कोई नए केस आज की स्थिति में नहीं पाए गए हैं। जो भी केसेज हुए हैं कल तक ही हुए हैं और अचानक हुए हैं। को हम नज़र पर रखते हुए दोनों के सैंपल लिए गए हैं और जाँच के लिए उसको आगे भेज देंगे। पता चला तो स्वास्थ्य विभाग को, तहसीलदार को, सभी को अवगत कराया गया। तत्काल हमारी पूरी टीम ने, जिले की पवई की टीम ने जाके अपना मोर्चा संभाला और लोगों को लाकर के अस्पताल में भर्ती किया। उसमें भी नहीं देखा तो जब उन लोगों से चर्चा की गई तो उन लोगों ने कहा खान पान से, उन्होंने बताया कि पवई से हमने दाल चावल लिए थे, उस भोजन को बनाया, उससे बीमार हुए हैं। और तो जैसे उसमें चर्चा हुई कि सब लोगों ने कैसे, तो वे लोग एक साथ आदिवासी लोग तो सामान लेने आते थे, एक साथ सामान लिया, एक ही दुकान से लिया। वो चावल दाल खाने से कुछ उसमें पॉइजन रहा होगा, कभी बाहर का था, उस कारण से वो लोग बीमार हुए। उसके लिए हमारी पूरी की पूरी टीम सतत प्रयास कर रही है और ट्रीटमेंट लगातार हमारे मुंबई के सभी CMSO साहब पन्ना से हैं, यहाँ के हमारे शर्मा जी और सभी DMO सभी डॉक्टर साहब सब लोग पूरी तरह से ताकत से उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं और सभी लोग कंट्रोल में हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, पन्ना।